आज हम बना रहे हैं जलेबी। इसके लिए शुगर सिरप तैयार कर लिया। मैदे में थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा मिला के इसका एक घोल बना देंगे। आप चाहें तो आपके पास मलाई खोया हो तो वो भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थिक पेस्ट बनाना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। इतना बनाना है कि प्रॉपरली हमारा जलेबी जो है वो ऑयल में आ पाए, ना कि वाटर टाइप लगे। ये सब रेडी होने के बाद हम इसको अच्छे से देख लेंगे, चेक कर लेंगे, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। ये हमारा सिरप तैयार हो गया। फिर कर लेंगे, हमारे पास जलेबी मेकर था तो हमने ये यूज़ कर लिया। आप दूसरा प्रोसेस भी अपना सकते हैं जलेबी बनाने के लिए। हमारी जलेबी बन रही है, या इट्स गेटिंग रेडी। इसके बाद हम थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होने के बाद इसको निकालेंगे, और निकालने के बाद वही प्रोसेस है, सिरप में डालेंगे। हार्डली इट्स गोइंग टू टेक 10 मिनट्स। हमारी जलेबी रेडी है, यम्मी एंड टेस्टी। सिरप भी ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ये हमारी जलेबी बन गई, यम्मी। एंजॉय। मात्र 10 मिनट में जलेबी बनाए इस मेथड से। सब्सक्राइब एंड फॉलो अचार फूडीज़।